भाई दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी साली साहिबा डॉक्टर ज्योति मिर्धा भाजपाई हैं, जो राजस्थान के नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद रही हैं। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। अब बीजेपी ने उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और अब उनका बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है, तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कभी एनडीए का हिस्सा थे हनुमान बेनीवाल और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करते थे गुणगान, लेकिन अब हनुमान जी ने रास्ता बदलने का मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अशोक गहलोत से बेनीवाल की इस बाबत मुलाकात हो चुकी है, बात भी हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत दोनों ही नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। खबर है कि हनुमान बेनीवाल खुद नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी बीजेपी से अब हनुमान बेनीवाल की सीधी लड़ाई नागौर में ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में बेनीवाल अब ज्योति के सामने चुनाव लड़ेंगे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी और हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करने जा रहे हैं। नागौर की हॉट सीट पर राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की भी पूरी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि जब दो दिग्गज आमने सामने होंगे तो मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हाल ही में एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ये भी कह चुके हैं कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले आरएलपी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो सूबे में कांग्रेस और आरएलपी दोनों मिलकर 130 सीटें जीतते और उनकी संयुक्त सरकार बनती। तो ऐसे में अब अगर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को ही उम्मीदवार बना सकती है, जबकि बाड़मेर पर गठबंधन का ही संयुक्त उम्मीदवार होगा। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। नागौर में बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया। तो दूसरी ओर अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल संयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। और अगर हनुमान बेनीवाल कांग्रेसी उम्मीदवार बनते हैं तो जरा यह भी देखा जाए कि इनके लिए वोट मांगने के लिए दूसरे राज्यों से भी नेता आएंगे और हो सकेगा कि ज्योति मिर्धा के सामने आपको खड़े नजर आए दीपेंद्र हुड्डा। आपको बता दें इससे पहले 2014 और 2019 में भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब एक ओर होंगे हनुमान बेनीवाल और दूसरी ओर होंगी दीपेंद्र हुड्डा की साली साहिबा ज्योति मिर्धा। देखना होगा मुकाबले में कौन जीतता है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ज्योति मिर्धा तो भाजपाई हो चुकी हैं, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल किस पाले में नजर आते हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगड़ा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।